वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स, आई रश्मि मैम योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्टिविटी फॉर शैडो. शैडो क्या होती है? परछाई. शैडो इज़ फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट. शैडो कब फॉर्म होती है? लाइट के अपोजिट साइड में फॉर्म होती है. और कब फॉर्म होती है? जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है जो लाइट को रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है लाइट को, तो शैडो फॉर्म होती है. सो फॉर दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, वी विल रिक्वायर वन कैंडल, मैस्टिक, वन पेन, सम एनिमल एंड वन वाइट पेपर सीट विद हार्ड बोर्ड. इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लाइट को ऑफ कर देंगे. एंड स्टूडेंट्स, टेक अ पेन एंड नाउ यू कैन सी the object when move closer to the light object, the shadow gets bigger. okay, जब हम किसी भी object को light source के पास ले जाते हैं तो shadow कैसी हो जाती है? bigger. आपको white sheet पे दिखाई दे रहा है. when we move away the object from the light object, the shadow gets short. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स से दूर ले जाते हैं तो शैडो कैसी हो जाती है? शॉर्टेस्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है. तो आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं, आपको शैडो के बारे में पता चल जाएगा, शैडो की डिफरेंट डायरेक्शन कैसे चेंज होती है. यू कैन सी बाय दिस एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. स्टूडेंट्स, Today our topic is related to our body parts, internal and external body parts. So our first question is, a framework of bones that give shape and support to our body. Bones का जो framework है जिससे bone बनी है वो हमें क्या देता है? हमारी body को shape और support देता है, सहारा देता है. तो वो कौन सा part है हमारी body का? muscle, skin, heart और skeleton. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्केलेटन. जो कंकाल तंत्र होता है वो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. नेक्स्ट, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? ब्रेन. द कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपिल. जो हमारी आई में प्यूपिल होता है, आई का पार्ट, उसके अराउंड कलर्ड पार्ट होता है. इन द आई इज, उसको क्या कहते हैं? रेटिना, आईलेस, आयरिस, आईलिड. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आयरिस होता है कलर पार्ट. नेक्स्ट, द एग शेप पार्ट इन द ब्रेन इज. हमारे ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला. तो इसमें से एग शेप का कौन सा पार्ट होता है? सेरेबेलम. नेक्स्ट, बॉडी पार्ट प्रेजेंट इन अ पेयर. आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो पेयर में होता है, सिंगल नहीं होता है, टू होते हैं? तो कौन सा पार्ट होता है? लंग्स. जो हमारे फेफड़े होते हैं वो टू होते हैं, पेयर में होते हैं. विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. इसमें से आपको बताना है कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट नहीं है. नहीं है तो मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट होगा. तो कौन सा है? लंग्स इंटरनल बॉडी पार्ट है. और जो बाकी थ्री ऑप्शन बचे हैं वो क्या है हमारे? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. विच ऑफ दिस इज एन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम. इसमें से आपको बताना है, आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट ऑर्गन कौन सा है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन सा है? किडनी. नेक्स्ट, द ऑर्गन सिस्टम डैट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द इन फूड इज. इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो कौन करता है एब्जॉर्ब? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. Hello, good morning my dear students. These days our school is preparing you for competitive exams, so you must complete your work. Today's our thought is, you cannot believe in God until you believe in yourself.
इट मीन्स जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते. नाउ वी विल स्टार्ट आवर कर्सिव राइटिंग. वंस कोमा आ फर्स्ट ग्रेड टीचर हेल्ड ए contest in her class full stop. She asked the children to draw a thanks giving picture full stop. The children in her class came from poor neighborhood full stop. She wanted to see So students, please write this cursive writing page in your notebook. Thank you and have a nice day. Students, today's topic, second part of past indefinite tense. Let's we start. There are three types of structures of sentence in the past indefinite tense. First is our affirmative sentence. सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू स्कूल। अब इसमें राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोट हमारी राइट की सेकेंड फॉर्म हो गई, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में, फुल स्टॉप। थर्ड, आई गेव हिम ए पेंसिल, सेम है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के साथ हमेशा नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम आज स्कूल नहीं गया, सॉरी राम स्कूल नहीं गया। तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिड क्या हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, और नॉट नेगेटिव सेंस को मेक कर रहा है, और गो डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नहीं, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? एंड लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड यू से, क्या तुमने कहा, और एक एग्जाम्पल है हमारा व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के साथ हम डिड का यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ करेंगे, एक तो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब यूज़ की सब्जेक्ट, और फिर हमारा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो जिन जिन भी वाक्यों में हमें हाँ या ना में जवाब देना पड़े उनमें हम डब्ल्यू एच फैमिली, हमने इसमें क्या क्या के लिए हमने डिड का यूज़ किया है, क्या के लिए डिड का यूज़ किया है, लेकिन क्या तुमने कहा, अब इसमें हमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है। जिस भी वाक्य में या जिस भी सेंटेंस में हमें यश और नो का रिप्लाई करना पड़े उसमें हम डिड से स्टार्ट करेंगे, नो ना कि हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, अब वो एक्सप्लेन करेगा कि मैंने क्या कहा, पता नहीं उसकी टू लाइन्स हैं, थ्री लाइन्स हैं, फोर लाइन्स हैं, ठीक है। तो जब ये सेंटेंस हमें एक्सप्लेन करना हो तो इसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के साथ डिड का यूज़ करेंगे। एंड क्लियर है? एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। टूडे वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल MLP स्कूल राजपुरा। आई एम पूनम। टूडे आई टीच यू सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। सो टूडे वी प्रैक्टिस इन कंप्यूटर डिवाइसेज। कंप्यूटर डिवाइसेज की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन वन इज राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेज। राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस के नेम राइट करना है। आंसर इज कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, जिनकी हेल्प से हम डाटा इनपुट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज राइट द नेम ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज के कौन से होते हैं, जो हमारी रिजल्ट डिस्प्ले मीन जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, जो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। आंसर इज मोनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मोनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। क्वेश्चन थर्ड इज राइट द नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जो डाटा स्टोर करते हैं, जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। आंसर इज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके अंडर में प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क। सो ऑल स्टूडेंट डूइंग दिस क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों आज का सुविचार है अगर यह लगने लगे।
कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलें। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी मंजिल को नहीं बदलना है, बल्कि आप उसको प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको आपको और अधिक करना है। तो अब हम अपना सुलेख शुरू करते हैं, और हमारे सुलेख का विषय था श्रम का महत्व। उद्यम करने से ही कार्य सफल होते हैं। कार्य सफल होते हैं। इच्छा करने से नहीं, आज हमारे चारों तरफ अकर्मण्यता का बोलबाला है। कोई भी व्यक्ति काम करके खुश नहीं है, श्रम के मूल्य को ताक पर रखकर हम ताश सोने और गपशप में समय नष्ट कर रहे हैं। श्रम का गुरु मंत्र पढ़कर अन्य देश कितने आगे निकल गए हैं। और हम आज भी गरीबी की रेखा के नीचे
नीचे दबे पड़े हैं। तो बच्चों आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स। बेटा हमारा जो टॉपिक है स्टेट एंड कैपिटल्स वो चल रहा है, इसके अंदर हमने 16 स्टेट्स को फिल कर लिया है। आज हम अदर 4 स्टेट्स को फिल करेंगे इंडिया के मैप में। सो लेट स्टार्ट। हमारा फर्स्ट स्टेट है, 17th जो स्टेट है जिसको आज हम फर्स्ट नंबर पर फिल करेंगे वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। 18th है बिहार, बिहार कैपिटल है पटना। 19th है झारखंड, झारखंड कैपिटल है रांची। 20th है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। सो बेटा इन जो स्टेट्स को हम हमारे इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन बताएंगे आपको। सो लेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिया का मैप है, इसके अंदर हमने अपने यहाँ से स्टार्ट करके ये 16th स्टेट फिल कर लिए हैं। बस हमारे ये 4 स्टेट इधर बचते हैं और 7 सिस्टर्स जो स्टेट है ईस्ट के वो, और एक ये सिक्किम, यानी कि 4 और 8 12 स्टेट हमारे बचते हैं। आज हम हमारा जो 17th नंबर स्टेट है ये वाला, इसको फिल करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ये कब बना था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि इस स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाईकोर्ट यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो जिसका नाम क्या है? प्रयागराज। यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 403 है, यानी कि 403 है। एक एंग्लो इंडियन मेंबर है और ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। और उत्तर प्रदेश जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। इस स्टेट से जो जिन स्टेट की बाउंड्रीज टच होती है, यानी कि स्टेट से सबसे ज़्यादा स्टेट्स की बाउंड्रीज टच होती हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वेस्ट में इधर की साइड ये राजस्थान की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से टच होती है। नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा और उत्तराखंड की बाउंड्री, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री इससे टच होती है यूपी से। नॉर्थ में उत्तराखंड, और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं यहाँ पे नेपाल, नेपाल की बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश से टच होती है। ईस्ट में बिहार, साउथ में मध्य प्रदेश, और साउथ ईस्ट में झारखंड और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री यूपी से टच होती है। यानी कि लगभग 8 या 9 स्टेट्स की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से टच होती है। एक यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली है, जो कैपिटल भी है इंडिया की, इसकी भी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से टच होती है। नेक्स्ट हमारा जो ये 18th स्टेट है यहाँ पे, ये है बिहार। बिहार जिसकी कैपिटल क्या है? पटना। बेटा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार को एक स्टेट बनाया गया था 31 मार्च 1936 को बिहार को एक स्टेट बनाया गया था। इसके जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार जी। और किस किस स्टेट की इससे बाउंड्रीज टच होती हैं वो, ईस्ट में इसके वेस्ट बंगाल, साउथ में बिहार, साउथ में झारखंड, और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश की बाउंड्री इससे टच होती है, और नॉर्थ में नेपाल, जो इंटरनेशनल एक बाउंड्री है, नेपाल की बाउंड्री इससे टच होती है। नेक्स्ट हमारा 19th स्टेट है, जो पहले बिहार का ही पार्ट था, झारखंड। झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, और झारखंड को एक स्टेट बनाया गया 15th नवंबर 2000 में।
15 नवंबर 2000 में झारखंड को एक स्टेट बनाया गया और झारखंड के जो सीएम हैं वो है रघुबर दास जी। हाईकोर्ट झारखंड के अंदर झारखंड हाईकोर्ट है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 81 है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है 81, लोकसभा की है 14 और राज्यसभा की 6 सीट्स हैं। यहाँ पर बाउंड्रीज इस स्टेट से कौन कौन से स्टेट की टच होती है, वो नॉर्थ में बिहार, नॉर्थ वेस्ट में यूपी, वेस्ट में छत्तीसगढ़, ईस्ट में ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि ईस्ट या साउथ ईस्ट में ओडिशा और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से इसकी बाउंड्री टच होती है झारखंड की। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर स्टेट जो है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, और वेस्ट बंगाल को एक स्टेट बनाया गया 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में इसको एक स्टेट बनाया गया। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी। हाईकोर्ट यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 23 है। विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं 295, लोकसभा की 42 एंड राज्यसभा की 16 सीट्स हैं यहाँ पे। और बाउंड्रीज जो है वेस्ट बंगाल से वो कौन कौन से स्टेट की टच होती हैं, ईस्ट में बांग्लादेश जो कंट्री है वो लोकेटेड है, नॉर्थ में नेपाल एंड भूटान जो दो कंट्रीज हैं वो लोकेटेड हैं, और इसके साउथ वेस्ट में ओडिशा, वेस्ट में झारखंड, नॉर्थ वेस्ट में बिहार स्टेट लोकेटेड है। ये स्टेट्स हैं बेटा। एक हम ये देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल यहाँ पे लोकेटेड है और नेपाल और भूटान यहाँ पे है, तो नेपाल भूटान इसके नॉर्थ में कैसे हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ सिक्किम के पास से होते हुए और भूटान से टच होते हुए और ऐसे ये हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट लोकेटेड है। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में नेपाल और भूटान कंट्रीज स्थित हैं, ईस्ट में बांग्लादेश कंट्री है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज फोर स्टेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। Our reasoning classes and our topic is Venn diagram. Class 2nd to 5th. बेटा इसके अंदर Venn diagram में क्या है, आपको कुछ diagram दिए हैं और उन्हीं के बेस पर आपका क्वेश्चन भी बने होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये जो सर्कल बना हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4 और लिखा है, ये हमारा क्रिकेट का है। ये वाला जो सर्कल है ये हॉकी के लिए है और ये जो सर्कल है ये फुटबॉल के लिए। तो बेटा देखें, जो 1 digit है वो सिर्फ क्रिकेट खेलती है, 5 digit है वो हॉकी खेलती है और 7 digit फुटबॉल खेलती है, और जो 3 है वो तीनों सर्कल में आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों गेम खेलता है। 6 जो डिजिट है सिर्फ हॉकी और फुटबॉल के में आ रहा है, क्रिकेट के में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो 6 क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ऐसे ही जो 4 है वो हॉकी नहीं खेल रहा और जो 2 है वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, और इन्हीं के बेस पर आपने क्वेश्चन का आंसर देने है। एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूमरल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले ऑल 3 गेम। इसमें ऐसे कौन सा पर्सन है जो तीनों गेम खेलता है, तो बेटा देखो इसमें जो 3 है वो तीनों सर्कल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों गेम कौन सा खेल रहा है, 3। तो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच न्यूमरल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। ये जो हमारा दिया हुआ है इसमें ऐसा कौन सा पर्सन है जो फुटबॉल और हॉकी तो खेल रहा है पर क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है इसका मतलब क्रिकेट का ऑप्शन ये है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट नहीं कर रहा, तो बेटा देखिए 6 ऐसा नंबर है जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है पर क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो हमारे पास 4th ऑप्शन इज राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3rd इज विच न्यूमरल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल। एक ऐसा नंबर इसमें कौन सा है जो क्रिकेट और हॉकी तो खेल रहा है, क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है पर फुटबॉल नहीं खेल रहा, क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो देखिए बेटा कौन सा नंबर ऐसा है, तो हमारे पास क्या होगा 2 नंबर, जो 2 है वो डिजिट ऐसा है जो हॉकी और क्रिकेट खेल रहा है पर फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4th इज
विच न्यूमरल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले हॉकी नॉट बट नाइदर क्रिकेट नॉट फुटबॉल। एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ हॉकी खेल रहा है, ना तो फुटबॉल खेल रहा है और ना ही क्रिकेट खेल रहा है, ना सॉरी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा और फुटबॉल भी नहीं खेल रहा, सिर्फ हॉकी खेल रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो बेटा सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जो हमारा कहे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फिर ये हमारी एक पिक्चर दी हुई है, वेन डायग्राम बना हुआ है, जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारे टीचर को प्रेजेंट करता है, जो स्केयर है वो हमारा मैरिड पर्सन को डिफाइन कर रहा है, और जो हमारा सर्कल है वो उन पर्सन उन व्यक्ति को डिफाइन कर रहा है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। और इसी के बेस पर क्वेश्चन है, मैरिड टीचर लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाई। जो मैरिड है और टीचर है और ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो वो कौन सा नंबर है? बेटा देखो जो बी है तीनों डायग्राम में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है? राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज अ टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाई। मैरिड तो है और ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं पर वह टीचर के रूप में काम नहीं कर रहा। मैरिड भी है, ज्वाइंट फैमिली में भी है और टीचर नहीं है, तो एक डी है, डी अल्फाबेट ऐसा है जो मैरिड और ज्वाइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आपने अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से डायग्राम के साथ नोट करना है और उनको रिवाइज करना है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज फेमस निकनेम्स ऑफ इंडिया। भारत में जो फेमस निकनेम्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर। आवर फर्स्ट निकनेम इज फादर ऑफ नेशन और बापू। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। हम किन को फादर ऑफ नेशन नाम से जानते हैं और बापू बुलाते हैं, उस पर्सन का हमें नेम बताना है। ही इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और वी कॉल्ड हिम बापू। सेकेंड इज स्ट्रोंग मैन और आयरन मैन। हम उनको स्ट्रोंग मैन भी बोल सकते हैं और आयरन मैन भी बुलाते हैं, उस पर्सन का हमें नेम बताना है जिनको हम स्ट्रोंग मैन और आयरन मैन कहते हैं। भारत का स्ट्रोंग मैन और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज स्ट्रोंग मैन ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया। अवर थर्ड वन इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही इज समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्र गुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ वन इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर हम किन्हें कहते हैं? ही इज महाकवि कालिदास। जो हमारे महाकवि हैं कालिदास, उनको हम भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं, शेक्सपियर नाम से बुलाते हैं हम उन्हें। फिफ्थ वन इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से बुलाते हैं। सिक्स्थ वन इज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया। ही इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया। भारत का मॉर्निंग स्टार कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय। लास्ट वन इज मैजिशियन ऑफ हॉकी। हु इज नोन एज मैजिशियन ऑफ हॉकी। ध्यानचंद। ध्यानचंद इज नोन एज मैजिशियन ऑफ हॉकी। भारत में जो हॉकी है, नेशनल गेम है हॉकी इंडिया का, उसका मैजिशियन कौन है? ध्यानचंद। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर फेमस निकनेम्स ऑफ इंडिया। फेमस निकनेम्स हमने डिस्कस किए हैं आज। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज, सो लर्न देम एंड राइट इट इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हेतु विशेष कक्षाएं, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी आर फोकस ऑन द प्रिपरेशन फॉर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कहानी, यानी हम आपका मनपसंद टॉपिक करवाएंगे, कहानी जो सबको अच्छी लगती है। और आज की हमारी कहानी है, आज दिनांक है 13 जुलाई 2020, जिसमें हम कहानी कर रहे हैं चतुर लोमड़ी। कौन सी कहानी करेंगे आज? कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी। तो कहानी पढ़ते हैं। एक कौवा था, उसे कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, वह उसे चोंच में लेकर पेड़ पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी उधर आ निकली। जब वह रोटी खा रहा था बैठा, तो वहाँ से कौन आया, एक लोमड़ी आई। उसने कौवे को देखा, रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मन में लालच आ गया। वह कौवे से बोली, कौवे भाई कहो कैसे हो, सुना है तुम बहुत अच्छा गीत गाते हो, मुझे भी एक गीत सुना दो। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया, अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो गया। सभी अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो जाते हैं। कौवा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की चतुराई न समझ सका, उसको नहीं पता कि लोमड़ी इतनी चालाक होती है और वो कोई चालाकी दिखा रही है। वह झट से बोला, काऊ काऊ, उसने यानी कि अपना मुंह खोल दिया। चोंच खोलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी उस टुकड़े को उठाकर भाग गई, यानी उसने कौवे को बेवकूफ़ बनाया। तो आज की जो हमारी कहानी है, वो हमें क्या शिक्षा देती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी आज क्या है कि झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, तो उससे हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ने जब कोई बुराई करता है, तो हमें उसको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो हमारी बुराई करता है, हमें हमारी कमियां बताता है, तो उससे हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी कमी बता रहा है, हम उसको दूर कर सकते हैं। और तारीफ जो करते हैं, उससे हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि हम अपनी कमी को पकड़ नहीं पाते। तो आज की जो हमारी कहानी है, वो भी हमें यही बता रही है। एक कौवा था, वह उसे रोटी मिली और वह उसको लेकर पेड़ पर जा बैठा। लोमड़ी ने उसे देखा, उसकी तारीफ़ की, और कौवे तारीफ में खुश हो गया। और उसने फिर क्या किया, जैसा लोमड़ी ने बोला, वो उसकी बातों में आ गया और उसने गीत गाना शुरू किया। यानी जैसे ही उसने काँव काँव की, चोंच से रोटी नीचे गिर गई, और नीचे गिरते ही वह रोटी को उठाकर ले गई। यानी कि झूठी प्रशंसा से अगर हम बचेंगे, तो हम अपनी बुराई को भी देख पाएंगे और हम उसको दूर कर पाएंगे। जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो ये समझ लो हमारी बुराई को या हमारी जो कमी है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जब हम कमी को छुपाते हैं, तो वो कमी दूर नहीं होती, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस कहानी से आज हम यही सीखेंगे कि झूठी प्रशंसा से हम बचेंगे और अपनी कमी को हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।